अब प्रज्ञान रोवर कब उठेगा, कब होगा उसका अगला मिशन, क्या वह स्लीप मोड से बाहर आ पाएगा या फिर वो चांद पर भारत की निशानी बन जाएगा। हमने आपको चंद्रयान की सारी न्यूज आप तक पहुंचाई है और अब रोवर के स्लीप मोड में जाने की खबर सामने आ रही है। तब हम आपको एक बार फिर कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपने कहीं देखी सुनी नहीं होगी। 30 तारीख को चंद्रयान चांद पर पहुंचा, विक्रम लैंडर ने लैंडिंग की। इससे निकले रोवर ने चांद पर लगभग 10 दिनों तक मिट्टी का परीक्षण किया, अलग अलग तरीके की जांच की और वो पता किया जो इंसान को पहले नहीं पता था। क्या आप जानते थे चांद पर सल्फर है? क्या आप जानते थे कि चांद पर लोहा भी है? क्या आपको पता था वहां एल्यूमिनियम से लेकर कैल्शियम तक और क्रोमियम से लेकर टाइटेनियम तक मौजूद है? प्रज्ञान रोवर ने चांद की मिट्टी से इन तमाम तत्वों को खोज निकाला। यह भी पता कर लिया कि वहां ऑक्सीजन भी है। प्रज्ञान ने चांद के साउथ पोल पर प्लाज्मा भी खोज निकाला और यह भी पता कर लिया कि चांद पर तापमान क्या है। आपको बता दे, चांद की सतह पर 50 डिग्री तापमान है। और तो और, चांद पर हल्का भूकंप भी आया था जिसे पेलोड ने रिकॉर्ड भी किया। वहीं तमाम आंकड़े और तमाम डाटा यह सब इसरो को भेज दिए। अब जरा सोचिए कितना बड़ा डाटा और कितने सारे आंकड़े, और यह सब कुछ इस्तेमाल होगा इंसानियत की भलाई के लिए, मानवता के लिए, दुनिया के भविष्य के लिए। फिलहाल इसरो ने बताया है कि रोवर ने अपने सभी काम पूरे कर लिए हैं और अब उसे सुरक्षित स्लीप मोड में पार्क कर दिया गया है। इसमें लगे दो पेलोड को बंद कर दिया गया है। वैज्ञानिक को यह भी संभावना है कि चांद पर हाइड्रोजन भी मिल पाए। संभावना इस बात की कि भविष्य में कभी इंसान चांद पर कॉलोनी बना पाए। संभावना इस बात की कि कभी इंसान का चांद पर आना जाना शुरू हो जाए। चांद पर जब फिर से दिन निकलेगा तो क्या भला कौन जानता है? किसे पता है कि लैंडर और रोवर दोनों काम कर पाएंगे या नहीं? इसरो ने एक फोटो जारी किया है जिसे इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि यह इसरो की प्रज्ञान रोवर के सोने से पहले का नजारा है। यह शिव शक्ति पॉइंट लाल घेरे में दिख रहा है। यह वही जगह है जहां चंद्रयान 3 उतरा था। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि 3 सितंबर को चंद्रयान 3 ने फिर से चांद पर छलांग लगाई थी। वह अपनी जगह से कूदकर 30-40 सेंटीमीटर डर गया था। विक्रम की यह है उड़ान इसरो के वैज्ञानिक, और चंद्रयान 3 के रिटर्न होने का काम करेगी क्या? दोस्तों, इसे हम कह सकते हैं कि चंद्रयान मिशन क्या सफल हो चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार बता दें कि यह मिशन 110% सफल हो चुका है। आपको बता दें कि इसरो के इस मिशन से बड़ी कामयाबी मिली है। दोस्तों, हम आपको बता दें, इसरो ने जो विक्रम ब्लेंडर की तस्वीर शेयर की है वह चौंका देने वाली है। इसरो के अनुसार यह फोटो कई फोटो को जोड़कर तैयार की गई है। मने तो यह एक 3D तस्वीर है। इस तस्वीर में 3 रंग दिख रहे हैं।